दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर खुशखबरी। दोस्तों मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब पेंशन धारकों को 3 माह नहीं देना होगा जीवन प्रमाण पत्र। जी दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र अब आपको 3 माह तक नहीं देना होगा। तो इस वीडियो में आपको इसी की फुल डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से होने वाली परेशानी को ध्यान में रखकर सरकार ने पेंशन राहत दी है। इनमें से पेंशन धारकों को हाथ से लेकर अगले मई तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, प्रस्तुत छूट दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल राज्य सरकार की पेंशन धारकों के लिए महीने एक पेंशन को परिवर्तन मजदूरी महीने में वर्ष एक बार सत्यापन कराने का व्यवस्था है। इसके अर्थात जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए जाने की प्रवर्तमान में कोरोना वायरस के संकट के चलते राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। आपको बता दें, इस वजह से पेंशन ऑनलाइन जीवन करने के लिए नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पहुँचने में अर्थात साथ ही ऑफिस जीवन प्रमाण पत्र आकर्षक उपलब्ध कराने में भी कठिनाइयां हो रही हैं। आपको बता दें, सरकार ने उप कारण चलते पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र पुस्तक करने की 3 माह की छूट दे दी है। जी दोस्तों, अब आप बिना जीवन प्रमाण पत्र के पेंशन योजना का लाभ ले सकते हो वर्ष 3 माह तक। तो ये सरकार ने ऐलान किया है कि प्रमाण पत्र पुस्तक करवाने के लिए 3 माह तक छूट दे देगी होने और लॉकडाउन खत्म होने के बाद पेंशन के लिए आगामी जून माह तक उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुभव। वहां तक अवधि में किसी पेंशन की मृत्यु होने की स्थिति, पेंशन का भुगतान हो गया तो पेंशन अल्यान अथवा पेंशन के प्रत हो जाएगा। सरकार ने यह ऐलान किया है, लॉकडाउन के चलते अब आपको 3 महीने तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। आपको छूट दे दिए, चाहे आप विकलांग हो, विधवा, किसी भी तरह की आपको पेंशन मिलती है, बस आपको 3 माह तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। तो सरकार ने ये राहत दी है पेंशन धारकों के लिए। तो दोस्तों, यह आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।